नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, हमारे भारतीय संस्कृति में चार वेद होते हैं, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद तथा आयुर्वेद। दोस्तों, हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति है, आज भी अगर कोई व्यक्ति तन मन धन से यजुर्वेद पढ़ ले तो स्वर्ग से देवता धरती पर आ सकते हैं। आज भी अगर हम सामवेद पढ़ लें तो संगीत की कई कलाएं अर्थात जैसे दीपक राग है, मल्हार है, उन्हें गाकर हम धरती को जला सकते हैं, पानी को गिरा सकते हैं, अर्थात कई विधाएं हैं। इसी प्रकार वैदिक ऋचाएं अर्थात जो वेद की ऋचाएं हैं उन्हें हम बुलाकर अर्थात बोलकर पानी गिरा सकते हैं। मंत्रों के द्वारा हम किसी में प्राण भी खोल सकते हैं, यानी कि इतनी ताकत है। लेकिन आजकल मैंने देखा है जैसे विद्यालयों में बच्चे भोजन मंत्र बोलते तो हैं लेकिन अशुद्ध बोलते हैं। इनमें से हमारा एक मंत्र है भोजन मंत्र, जिसको क्या बोलते हैं, अशुद्ध। आजकल मैंने घरों में भी क्या देखा है, बस स्पीकर लगा दिए जाते हैं, स्विच ऑन कर दिया जाता है और आरती चालू, अर्थात उच्चारण करना तो भूल ही गए। अर्थात अगर जनगण मन भी होगा, राष्ट्रीय गीत होगा तो बस स्पीकर बजा दीजिए। जबकि पहले आपने देखा होगा जो गुरु हुआ करते थे, गुरु क्या करते थे, खुद उच्चारण क्या करते थे, उस उच्चारण को शिष्य ग्रहण किया करते थे। परंतु ये पद्धति खत्म होती जा रही है, इसके कारण बच्चे आरतियां मंत्र सब अशुद्ध गाते जा रहे हैं। स्पीकर में टेप रिकॉर्डर बजता रहता है और बच्चे इस प्रकार खड़े रहते हैं गूंगे बनकर। तो हमें गूंगे नहीं, हमें इनका उच्चारण करना है। तो मैं तो विनती करता हूँ आपसे, अगर आप स्पीकर पर प्रार्थना करवाते हो तो स्पीकर पर बंद कर दीजिए, हमें उच्चारण करके बच्चों को सिखाना है। तो देखिए बच्चे हमारे पास है ओम सेना भवतु, लेकिन बच्चे इसको क्या करते हैं, सेना उच्चारण क्या करते हैं इसको, सेना। जबकि सेना नहीं है, किसी का सेना आक्रमण करने के लिए नहीं आ रही है। ओम सेनावतु इस प्रकार इसका उच्चारण किया जाता है, सहनो। तो बच्चे इस शब्द को क्या करते हैं, भुनत्तु उच्चारण क्या निकलता है इसका, भुनत्तु। तो यह भी कुछ भुनत्तु भी बोलते हैं, जबकि हमारा क्या है, गलत है। जबकि हमें क्या बोलना चाहिए, भुनत्तु इस प्रकार बोलना चाहिए। फिर क्या है, सहवीर्यं करवावहे, तो करवा में बोलते हैं इसको, करवा वे। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आजकल ना तो शिक्षक बताने में कोई रुचि लगता है ना ही बच्चे रुचि लेते हैं। वही ना बताया स्पीकर कौन करा, चालू रहता है तो उच्चारण आज हमें कौन सिखाए, ये बहुत बड़ा आज प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। फिर क्या है, तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहे, तो इसको क्या बोलते हैं, विदिशा। इसको क्या बोलते हैं, विदिशा, अर्थात ये मध्य प्रदेश के जिले का नाम है, जबकि हमको संस्कृत में इसका उच्चारण करना चाहिए। फिर क्या करते हैं, ओम शांति शांति शांति, तो शांति नहीं, ओम शांति ही शांति ही शांति ही, इस प्रकार हमें इसका उच्चारण करना चाहिए। अब मैं बताता हूं बच्चे किस प्रकार इसका उच्चारण करते हैं, ओम सेना भवतु सेनो भुनत्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधितमस्तु मा विदिशावहे, ओम शांति शांति शांति, बस इतनी जल्दी खत्म हो गया। जबकि हमें क्या करना चाहिए इसका उच्चारण, ओम सेना भवतु सेनो भुनत्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधितमस्तु मा विदिशावहे, ओम शांति शांति शांति। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।
जय भारत।